शहर के बिस्टान रोड पर संचालित हो रही सोनम जिनिंग प्रेसिंग हाउस पर बीती रात नकाबपोश बदमाशों ने लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। शहर के बिस्टान रोड पर संचालित हो रही सोनम जिनिंग प्रेसिंग हाउस पर बीती रात नकाबपोश बदमाशों ने लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। लुटेरों के हौसले इतने बुलंद थे कि जिनिंग में प्रोसेसिंग के दौरान वारदात को अंजाम दिया। लुटेरों ने यहां पर काम कर रहे मजदूरों पर पत्थर भी बरसाए। जिनिंग संचालक के मुताबिक चोर चड्डी बनियान में थे। यह वारदात सीसीटीवी में भी कैद हुई है। जिनिंग संचालक सचिन महाजन ने बताया कि रात करीब 1:50 पर लुटेरे मुख्य द्वार से घुसे। लुटेरों की संख्या 12 से अधिक थी। ऑफिस के कैश काउंटर की खिड़की से लुटेरे घुसे हैं। कुछ लोग बाहर खड़े थे। लुटेरों ने ऑफिस में रखी अलमारी में तोड़फोड़ कर 9 लाख रुपए नकद चुरा कर फरार हो गए। महाजन के मुताबिक कपास की नकद खरीदी के लिए रुपए जिनिंग में रखे थे। सर क्या हुआ, कल रात को लगभग 2:45 के आसपास 5 से 6 व्यक्ति जो सिर्फ चड्डी बनान में थे, मुंह पर कपड़ा बांधे हुए थे, वो ऑफिस की ग्रिल तोड़कर ऑफिस के अंदर घुसे, प्रवेश किया और यहाँ पर जो अलमारी है उसको पूरा तोड़ा और इसमें से जो रुपया नकदी रखा हुआ था, किसानों को जो नकद भुगतान करते हैं वो 8 से 10-9 लाख के आसपास था, वो रुपया लेकर भाग गए। उन्होंने क्या किया, एक प्लानिंग के तहत किया उन्होंने, हमारे फैक्ट्री चालू थी, फैक्ट्री बन रही थी, तो ऐसे कपास चोरी करने के हिसाब से आते रहते हैं, तो व्यक्ति समझे कि यह कपास चोरी करने के हिसाब से आए और वो इधर से पत्थरबाजी चल रही थी, इधर से पत्थर मारे थे चार पाँच लोग और इधर सामने व्यक्तियों ने, हमारा स्टाफ ने पत्थर मारे, पर 2-3 व्यक्ति अंदर अलमारी थे, ऑफिस के अंदर घुसे हुए थे और यहाँ से कैश लेके गए जो रखा हुआ था। सर यहाँ पर जो व्यक्ति काम करते विजय महाजन, विजय कुशवा, उसने फ़ोन किया कि भैया फैक्ट्री में चोर घुस गए हैं, तो वैसे तत्काल में थाने में गए, वहाँ से पुलिस वालों को लेके आए, तब तक तो घटना हो चुकी थी। लुटेरों पर काम कर रहे मजदूरों की नज़र भी पड़ी। उनके विरोध करने पर लुटेरे पत्थर बरसाते हुए भाग निकले। लुटेरे 3 दिन पहले हवा आंधी में गिरी बाउंड्री वाल की दीवार के रास्ते भागे। इससे पहले भी कपास चोरी की वारदातें हो चुकी हैं। देखिए रात को करीब 2:40 पुलिस को सूचना मिली थी कि जिनिंग में कुछ लोग चोरी कर रहे हैं, तो तत्काल जो हमारी रात्रि गश्त की टीम थी और पूरे लोग गए और वहाँ नाकेबंदी की, लेकिन अज्ञात लोगों का पता नहीं लगा। फिर वहाँ जब छानबीन की और सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखे तो ये पाया गया कि करीब 2:45 3 लोग जो सोनम जिनिंग है उसके बाहर का जो ऑफिस है उनका, उसमें प्रवेश किया उन्होंने और उसके लिए ग्रिल निकाली और ग्रिल निकाल के सब अंदर घुसे। अंदर घुसने के बाद जो वहाँ का चौकीदार था उसने इनको देख लिया, तो वो उसने दौड़ के जिनिंग फैक्ट्री में कुछ अन्य मजदूर भी थे और चालू थी वो, तो जब वहाँ अंदर जाके उनने लोगों को बताया, तब तक ये चोर जो है ग्रिल निकाल के अंदर घुस के चोरी कर रहे थे। फिर वो लोग ना आए तो उनका ध्यान भटकाने के लिए उनमें से जो चोर थे उसमें से 3-4 चोरों ने पथराव किया, हालांकि किसी को लगी नहीं है, और फिर बाद में वो लोग पथराव करके भाग गए। अंदर ताला तोड़ा गया है, ताला तोड़ के जो अंदर कैश रखा था वो कैश चुराया गया है और साथ ही वहाँ पे हमारी फिंगरप्रिंट, डॉग स्क्वाड और जो स्पेशलिस्ट टीमें हैं साइबर की, और साथ ही जो सीसीटीवी फुटेज, पीछे भी एक बैंक है वहाँ के सीसीटीवी फुटेज, हमने सबके कलेक्ट कर लिए हैं। जो सभी बदमाशों के हुलिया हमें प्राप्त हो गए हैं, मोडस ऑपरेंडी प्राप्त हो गई है। पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह साहब ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया है और इसके लिए 6 स्पेशल टीमें बनाई गई हैं जो विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई कर रही हैं। शीघ्र ही हम इसका पता लगाने का प्रयास करेंगे। डिजियाना न्यूज निवाड़ रिपोर्ट, खरगोन। बिहार की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निवाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।